उसमें क्या हुआ, एक सरकार फीस ले ली और हमारे क्या है डीडी बनाने के फीस का दिए प्रति विद्यार्थी आप शुल्क जमा करो। अब आरटी एक्ट में कहा कि भाई शुल्क किसी प्रकार का नहीं लेंगे, इन्होंने 5 बोर्ड की फीस तय करवा दी धीरे धीरे, और जिन्होंने डीडी नहीं जमा करे उनकी 2 साल की मार्कशीट रोक दी। तो हमारे कोई स्कूल के बच्चे फीस बाकी रह जाती है एडमिट कार्ड या मार्कशीट क्या कहते हैं ना, तो कभी बात कहते हैं बच्चों का परेशान कैसे करो, और हमारी मार्कशीट के बाद 2 साल में रुक जाती। मतलब ऐसे कानून बनाकर ऐसी प्रक्रिया किसे नहीं दिया हमारे फीस वसूलने का सर कोई मतलब निर्धारित गवर्नमेंट की तरफ से रोड मैप नहीं है। मतलब हमेशा जैसे बच्चे को हम कहते हैं तो फटाक से मतलब आप बच्चे को रोक नहीं सकते, ठीक बात नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे निजी स्कूलों के लिए ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि आप इस तरीके से फीस हो रहे परिसर नहीं दे सकते सर, और मतलब जोर से रिक्वायरी का कोई सर सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, और प्रवेश पत्र सर रोक नहीं सकते, मतलब हर कदम पे सर समस्या आ रही है, इसलिए आप इसे मतलब ये सरकार एक डाइट में सर जैसे आप कहते हो 2 साल की रोकी हुई है अंकताली में सर, जैसे रणगढ़ में रोकी हुई वो डीडी के चक्कर में सर, तो जबकि आरटी नॉर्म्स के अंदर फीस है ही नहीं सर, उसमें तो फीस का प्रावधान ही नहीं है, और वो मार्कशीट ही नहीं दे रहे सर। बच्चा जैसे हमारे पास से माइग्रेट हो गया टीसी लेके, तो मार्कशीट के बगैर वो आगे बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल प्राइवेट हमारे क्या नामांकन को लेकर हमारा बच्चा जैसे 4th तक पढ़ा और उसकी फीस बाकी है, अब उसने टीसी तो ली नहीं, और सरकारी स्कूल में सीधा एडमिशन कर देते हैं। अभी यूडाइस पोर्टल बना हुआ है, उसमें यूं ही हमारे बच्चे का नाम चढ़ाते हैं तो सरकारी स्कूल में सेम बोल रहा है, तो आरटी का भुगतान नहीं हो पाता, दो ही प्रवेश जो है, तो ये भी एक सिस्टम उसमें सर बच्चा भौतिक रूप से हमारे पास और सरकार के नॉर्म्स में मतलब सरकार से वो मतलब अभिभावक को जैसे पोशाक मिल रही है सारा मिल रहा है, वो जा कहाँ रहा है पता नहीं, और बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और हमें पैसे नहीं मिल रहे सर, अयोग्य दोहरे नामांकन की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। फीस पोशाक का और यूनिफॉर्म का 5 रुपए एक साहब है ना। शहर की बात निवेदन दे रहे हैं आपसे, आज सुबह एग्जाम स्टार्ट बाद ही गए, यहाँ 3 स्कूल सेंटर है जिसकी कैपेसिटी करीब 1500 विद्यार्थी, तो बच्चों के पेरेंट्स पहले दिन जैसे बच्चे हमको सीधा छोड़ने आते गाड़ी लेके आते, ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है। आपसे निवेदन है कि पुलिस के विभाग द्वारा सुबह में जैसे 8 बजे हमेशा 9 बजे ये बंद कर करते हैं, सुबह में छुट्टी 12:15 छुट्टी होती है जी ट्रैफिक का सर, 8 बजे और ये कम से इस महीने से मार्च दूसरी एक निवेदन था जैसे बोर्ड के आदेश है कि सर जो शिक्षक लगवाए जाते हैं निजी स्कूल का एक प्रतिनिधि केंद्र में रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें सर स्पष्ट लिखा है कि वो कक्षा कक्ष में मतलब एग्जाम पेपर कक्ष में नहीं जाएगा, और कब जब बच्चा कैंपस में जाएगा, लेकिन सर वो क्या है उसको या तो कहीं एंट्री देते नहीं है, और देते तो सर गेट मतलब उस बरामदे में भी नहीं जाने देते, जबकि सर्कुलर है विभाग आदेश है कि परिसर में प्राइवेट स्कूल का एक प्रतिनिधि के रूप में रहेगा। तो रियो सेकेंडरी से आप थोड़ा माने तो कितने प्राइवेट स्कूल सेंटर है, प्राइवेट स्कूल में कहीं नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल सेंटर तो हमारे साथ काफी, हमारे एक प्रतिनिधि जैसे हमारे बच्चे वहां चले गए तो एक आदमी वहां, सरकार ने अलग कर रखा डिपार्टमेंट, तो आधे जगह वो ऐसा नहीं कर, तो है सर 9 बजे उसको रखना है, लेकिन जल्दी 8 बजे बचे आ जाते हैं, एग्जाम का समय है 8:30, तो 8 बजे आना जाना रहता है, तो 8 बजे उनको जमा करवा दो, खासतौर से यहाँ दरबार चौक से सब्जी मंडी पर छुट्टी के समय आज सुबह व्यक्तिगत रूप से हम जा रहे थे सेंटर पे 15 मिनट जाम हो गया, तो बच्चे लेट हो जाए एग्जाम जी सर। और अंतिम आग्रह ये सर कि सांचौर जिले की पूरी स्कूल है सही सिस्टम चल रही, जितना हो वाला ऐसा नहीं है, तो कई बार लोग है ना फीस के चक्कर में झूठी शिकायतें करते हैं, तो आप कैसे भी जांच करवा देंगे स्कूल की गलती नहीं है, तो फीस का थोड़ा सा रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रशासनिक मेहरबानी और ठीक रहेगा, बाकी स्कूल में कहीं किसी प्रकार कहीं उल्टे सीधे ये करते हैं हमें परेशान किया वो किया ऐसा नहीं होता सर, मतलब फीस वाला इशू कहीं कोई गतिरोध होगा ना तो फीस के लिए उसमें आप थोड़ा प्रशासन को क्या मेहरबानी थी, कई बार जो शिकायत ला के देते ऐसा टीसी नहीं दे रहे ये नहीं कर रहे यू ही वो करके डीओ साहब से सर ये कह रहे हैं 5 की जो मार्कशीट है रोकी हुई सर जैसे 2 साल की, तो वो सर दिलवा दें ताकि मैं हम बच्चों तक पहुंचा सके सर, लोकल लेवल पे रोकी हुई है, आप कहोगे तो सर ये हो जाएगा। और हमारे पूरे यूनियन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।